रविवार मुजफ्फरपुर ऑडिटोरियम में निषाद संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय शिक्षा एक वरदान एवं नशा उन्मूलन था। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी, सांसद अजय निषाद, निषाद संघर्ष मोर्चा के संरक्षक व जेडीयू नेता रंजीत कुमार सहनी, महावीर सहनी के साथ साथ निषाद समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह विषय है कि शिक्षा एक वरदान और नशा मुक्त समाज विषय पर सेमिनार। इसमें मुजफ्फरपुर के तमाम निषाद जागरूक लोग सभी यहाँ मौजूद हैं और इस समाज के विभिन्न संगठन से भी जुड़े हुए लोग यहाँ उपस्थित। आज का यह सम्मेलन बहुत ही सफल साबित होगा और बहुत ही बेहतरीन विषय भी उन्होंने चुना। तो हम लोग सबसे पहले इस संगठन को भी धन्यवाद करेंगे और इस संगठन के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से हम लोग जो समाज के अंदर शिक्षा के प्रति उदासीनता है उसको कैसे दूर किया जाए और सरकार के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से जो सहयोग दिया जा रहा है विभिन्न तरह की योजनाएँ, इसको भी हम लोग बताने का काम करेंगे। और सराहना आज का ये निषाद संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में शिक्षा एक वरदान नशा उन्मूलन का एक सेमिनार आयोजन एक दिवसीय रखा गया है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि निषाद समाज में जो शिक्षा की कमी है और नशा में लोग लुप्त रहते हैं, इसके जरिए यही मैसेज देना है कि आप निषाद समाज को शिक्षा में बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेना होगा और अपने बाल बच्चों समाज को शिक्षित बनाना होगा, जो आने वाले समय में राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और व्यावसायिक लाभ मिल सके, यही इस कार्यक्रम के मेन मुख्य उद्देश्य है। शुद्ध और डिजाइनदार जेवरों का अनूठा संग्रह 140 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रघुनाथ प्रसाद रणधीर कुमार ज्वेलर्स, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव। नाव पर देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में।